हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं फूड डब्ल्यू। दोस्तों, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी। आपको पता ही है टिकटॉक पे कुछ भी वीडियो वायरल हो जाता है। सीधा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो वायरल वीडियो ये वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस वायरल वीडियो में क्या गलत था, और इसे करके भी देखेंगे जो कुछ भी हुआ है और क्या गलती थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यही नहीं, एक और वायरल वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। कौन सी? ये वाली। तो इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन कलर के साथ नहीं, रियल हैंड वॉश के साथ। क्या करेंगे, रियल हैंड वॉश लेंगे, उसमें कलर मिला देंगे और फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दोनों वीडियो को ट्राई करते हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है, उसने वीडियो बनाने के लिए दूध और काली मिर्च का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दूध तो अवेलेबल है नहीं, तो मैं दूध की बजाय सफ़ेद पानी बना लेता हूँ हल्का सा पेंट का यूज़ करके, क्योंकि पेंट रखा हुआ था मेरे पास। तो ये देखो कितनी आसानी से थोड़े से पेंट से ही व्हाइट कलर का पानी यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग छिड़केंगे काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल उसने वायरस को दिखाने के लिए किया था कुछ इस तरीके से। पेपर को मैंने यहाँ पे छिड़क लिया है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही वायरस वाला सरफेस बनके तैयार है। अगर मैं इसमें अपने साफ हाथ भी डालूंगा तो वो गंदे होके ही आएंगे। ये देखो, तो उसने कैसे धोया था, ऐसे ऐसे, बस उसने हल्का सा ऐसे ऐसे किया और ये हाथ गया उसका। ये देखो, ये तो सब दूर भाग गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सरफेस टेंशन की वजह से हुआ है। तो अगर आपने उस वायरल वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसने अपनी उंगलियों को ठीक से नहीं धोया था, यानी कि उसकी उंगलियों में थोड़ा सा सोप लगा हुआ था। और सोप से क्या होता है, पानी का सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहाँ की पेपर एलिमिनेट हो गई कुछ इस तरीके से। देखा आपने, तो ये सरफेस टेंशन का कमाल था। सरफेस टेंशन खत्म हो जाने की वजह से उतने पानी का जो पेपर थी इधर उधर चली गई या फिर नीचे डूब गई, और ऐसा लगा कि कोरोना वायरस भाग गया। कितना उल्लू बनाते हैं ना। तो अगर हमारे हाथ साबुन से धुले और साफ हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अगर हम लोग किसी गंदी चीज को छुएंगे तो हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, गंदी चीज को छूने पर हमारे हाथ वापस से गंदे हो जाएंगे और हमें वापस से अपने हाथों को साबुन से धोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का पहला वायरल वीडियो, जिसकी हमने जांच पड़ताल की और आपको मालूम चल ही गया होगा कि यहाँ पे क्या गलती थी। तो भाई, अगर आप लोग आजकल किसी भी चीज को छूते हैं जो कि बाहरी है, पैसा, बाहर जाते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं, तो अपने हाथ को धो लीजिए, जरूर से धोइए। ठीक है, अगर वापस से छूते हैं तो वापस से धोइए। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं उल्लू बनना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे वीडियो की तरफ, जो कि वायरल काफी था टिकटॉक में। तो दोस्तों, वैसे दूसरा वायरल वीडियो हमें ये शो कर रहा था कि हमें अपने हाथ देर तक धोने चाहिए, अच्छे से धोने चाहिए। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं रियल कंडीशंस में उसी वीडियो को, लेकिन बिना ग्लव्स के, सीधा कलर के साथ, वो भी हैंड वॉश में मिला के डायरेक्टली अपने हाथों में। तो ये मैंने हैंड वॉश लिया और इसे मिलाते हैं कलर में ऐसे 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 अच्छी तरीके से, और ये हमारा कलर वाला हैंड वॉश तैयार हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को गीला कर लेना चाहिए धोने से पहले, क्योंकि मुझसे लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। और
तो अभी आप लोग ध्यान से देखना कि 10 सेकंड में हाथ नहीं धोए जा सकते हैं। मैं बस हथेलियों में और उंगलियों में साबुन रगड़ता हूँ, उतने में ही 10 सेकंड हो गए। तो भाई भला 10 सेकंड में कितना भी फास्ट साबुन हो, आप लोग कैसे हाथ धो सकते हैं? पूरा आपका हाथ ही कवर नहीं हो पाएगा, आपको टाइम लगता है। मैंने अभी उंगलियों को मोड़ के आपस में इन्हें रगड़ना है, इस तरीके से घिसना है और अच्छे तरीके से अंगूठों को भी साफ करना है, दोनों हाथों के अंगूठों को बारी बारी से। अभी भी आप लोग देख लो पूरे हाथ कवर नहीं हुए हैं, 30 सेकंड हो गए हैं। अपनी फिंगर्स के टिप को साफ करना है, हथेलियों में रगड़ के कलाइयों को साफ करना है और अभी 40 सेकंड हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा जब मैंने अच्छी तरीके से हाथ को धोया तभी मेरे हाथ जाके पूरी तरीके से कवर हो पाए। अगर मैं 10 सेकंड में धोता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 10 सेकंड में मेरे हाथ पूरी तरीके से कवर हो पाते साबुन से। तो भाई ये वाला वीडियो वाकई में काम का था, जिससे कि हमें मालूम चला कि हमें अपने हाथ 10 सेकंड में नहीं लंबे समय तक, लगभग 1 मिनट तक अच्छे से धोने चाहिए, तब जाके हमारे हाथ पूरे तरीके से साफ होते हैं। आप लोग खुद देख लो, रंग जो है ना पूरे हाथों में लग चुका है, दोनों यहाँ तक का। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने भी यहाँ पे गलती करी, मैंने गलती ये करी कि मैंने साफ हाथों से नल को छू लिया। ऐसी कंडीशन में मेरे हाथ वापस से गंदे हो सकते थे। तो आपको वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेस के हिसाब से इसको डील करना है। आपको नल को, जैसे कि नल चालू है तो आपको हाथ पहले पोंछने हैं किसी कपड़े से, पेपर टॉवल से, और उसी पेपर टॉवल से नल को बंद कर देना है, यानी कि नल को नहीं छूना है और उसे दूर फेंक देना है। और इस तरीके से आप लोग बिना छुए काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं हाथ धोने का। तो दोस्तों जब भी मैंने दूसरे वायरल वीडियो को रियल कंडीशंस में कलर के साथ ट्राई किया तो मैंने देखा कि अगर हम लोग जल्दबाजी में 10 सेकंड में हाथ धोते तो मुझे नहीं लगा कि 10 सेकंड में हमारे हाथ साफ हो पाते। लेकिन जब भी मैंने समय लेके आराम से देर तक अपने हाथों को सही तरीके से धोया तब जाके हमारे हाथ पूरी तरीके से साबुन से कवर हो पाए, कलर से कवर हो पाए और तब जाके हमारे हाथ धुल पाए। तो आपको भी ऐसी सिचुएशंस में जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देर तक सही तरीके से अपने हाथों को धोना है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करो सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से दबा देना इन गुलाबी हाथों के लिए।